नरवाना से कांग्रेस प्रत्याशी विद्यारानी दनौदा ने बदोवाल गांव में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने बीजेपी को तानाशाह बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जनता ने मौका दिया तो उनकी प्राथमिकता मूलभूत परेशानियों को दूर करना है। विद्यारानी जीत का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी 75 पार नहीं, सत्ता से बाहर जाएगी। हमें गांव में पूरी 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है। क्यों भी ना क्यों ना मिले, क्योंकि हमने सभी बिरादरियों को एक साथ लेकर चलने का काम किया है। इस सरकार ने भाई को भाई से लड़ाने का काम किया है, हिंदू को मुस्लिम को, जाट को नॉन जाट से लड़ाने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की हमेशा यह बात रही है कि वो हमेशा 36 बिरादरी को लेकर चलती है। वास्तव में ये 75 पार ही करेंगे। इन्होंने प्याज 75 पार कर दिया, पेट्रोल 75 पार कर दिया, और यहाँ पर हर चीज 75 पार है। लेकिन ये अब के बार 75 पार का नारा देकर पार नहीं होने वाले, ये सत्ता से बाहर होने वाले हैं।